हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर में, जो कि मेरठ शहर में स्थित है। और ये यहाँ गेट में काफ़ी फेमस मंदिर है। और ये मंदिर गोकुल स्वीट्स के पास है। जब आप बच्चा पार्क से आते हैं बुरहाना गेट की तरफ, और ये काफ़ी अच्छा मंदिर बना रखा है जैसा कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में। और यहाँ मंदिर के बाहर फूल माला प्रसाद सब तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप मिठाई वगैरह सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं आसानी से। और ये जगह भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आपको सब तरह की मार्केट मिल जाती है। और आप अंदर मंदिर में देखिए कितनी अच्छी साज सजावट वगैरह हो रखी है। नवरात्रि के टाइम पे मंदिर काफ़ी अच्छे सजाए जाते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से साफ सफाई वगैरह होती है, जो कि आप देख ही रहे हैं मंदिर के अंदर। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को बुरहाना गेट की तरफ ले जाया जाए, तो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, तो इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। तो पूरा मंदिर आपको दिखाया है मैंने अभी सिद्धपीठ का। अब आपको दिखा रहा हूँ मैं भूतेश्वर महादेव मंदिर, जो कि जस्ट इसके अपोजिट में है। और ये काफ़ी पुराने मंदिर हैं दोनों। यहाँ महादेव की पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर काफ़ी सारे भगवानों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं। और एक थोड़ी बात, ये काफ़ी पुराना मंदिर है, तो आप देखिए कितना अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है यहाँ आके। तो एक बार आप लोग भी यहाँ आके जरूर देखिए, जिससे कि आप लोगों को पता लगेगा कि पुराने शहरों में मंदिर कितने पुराने पुराने हैं। और लोगों को पता, बहुत कम लोग जानते हैं, बाहर के लोग जो आते हैं वहाँ, लोगों को तो सब पता ही है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है। तो इसलिए मैंने उन लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाया है, ताकि उन लोगों को पता भी लग सके कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए उन लोगों को दिखाया है यहाँ के बारे में। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मंदिर कैसा लगा, एक बार जा कर के आप देखिएगा। और कुल मिला के बहुत शानदार मंदिर है। ये देखिए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग कितनी प्यारी सजा रखी है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग से वीडियो में मैं अगली बार मिलूँगा, और तब तक के लिए बाय।